अगली खबर में बात करते हैं शिवनगरी देवतालाब को लेकर। बिंद की पावन भूमि देवतालाब में आचार्य कमलेश मिश्र ने सनातन संस्कृत के प्रचार प्रसार व वैदिक पूजा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवतालाब के खुजवा में वैदिक घनाद अनुष्ठानम संस्थान की स्थापना किया है। बताया जाता है कि आचार्य कमलेश मिश्र देश विदेश में लगभग 25 वर्षों से लगातार सनातन धर्म व संस्कारों से अलग हुए लोगों को संस्कार युक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित सभी 16 संस्कारों को वैदिक रीति रिवाज से संपादित करा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में पश्चिमी देशों की तरह लगातार वृद्धा आश्रम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। समाज में उन्नति का मतलब यह तो नहीं होता ना कि परिवार में दूरियां बढ़ती जाएं, परिवार में क्लेश बना रहे, बुजुर्ग माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाए, लेकिन आज यह सब हमारे समाज में हो रहा है। आचार्य का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति हर समस्याओं से मुक्त हो, इसके लिए जरूरी है कि वह संस्कारवान बने। संस्कृत शिक्षा लेना, विषय को चुनना अनिवार्य है। आप लोग गूगल कर लीजिए, हो सकता है देश को लेकर मुझे थोड़ा भ्रांति हो। और आपको एक और बता दें कि लास्ट संस्कृत विलेज है अपने भारत में, कोई है जो जानते हो? सब लोग गूगल चलाते हैं, नेटवर्क आजकल ऑनलाइन दुनिया आ गई है, तो आपको किसी को नहीं पता होगा। और आप अपने भारत में, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे देश में ऐसा भी गाँव बचा है जो ब्रह्मा के जमाने से जितने रूल्स फॉलो होते थे आज भी हैं। वो है कर्नाटक प्रदेश में शिवमोगा गांव, शिवमोगा जिला, और उसमें मत्तूर विलेज है। और मत्तूर विलेज में तुंग और भद्रा, जैसे गंगा यमुना नदी का संगम है, वैसे तुंग और भद्रा नदी का संगम है, वहां पर संस्कृत बोली जाती है। 50 से ज्यादा देश हमारे देश में आकर संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं। और एक बड़ी बात बता दें, अच्छा हुआ कि वैदिक घनाद में हम भूल जाते तो आपका क्वेश्चन बहुत काम आएगा। वहां पर 1% लोग बीमार होते हैं, कितने? ओनली 1%। वहां पर 0% शराब पी जाती है, 0% गुटखा खाया जाता है, 99% पान का प्रयोग होता है। लेडीज भी संस्कृत में बात करती है। ये अभी आप रिसर्च करिए और हो सके तो यात्रा करिए एक बार मत्तूर विलेज में, तो आपको बता दें कि शिक्षा के जगत में संस्कृत के बिना शिक्षा शब्द को हटा दीजिए, डिग्री ले रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि हम 11 फेल हैं और हम वर्क कर रहे हैं 16 कंट्रीज में ऑनलाइन हमारे क्लाइंट्स हैं। हम अभी पिछले साल दुबई गए थे, हमारे पास बहुत सारी कॉल है पर हम विजिट ही नहीं करना चाहते। और वैदिक घनाद अपने गाँव में खोलने का जो आशय रहा, जब गिरिजा सिंह ने हमें थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराया तो मैंने सोचा कि इनको पहले मैं राजनीतिक कमेंट्स दूं, पर दिया नहीं, डर हमारे जंगल था, हमने कहा लट्टी लट्टा ना हो जाए, तो मैंने ये इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कर दिया कि अब मैं संस्कृत अपने गांव में आऊंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि जो दुनिया प्रेरणा लेती है, तो मैं दुनिया में क्यों जाऊं? आप भारत पूरा भी अपना गाँव नहीं घूम, स्थान में जब आप जुड़ेंगे वैदिक शब्द कहते ही आप समझ लीजिए कि ईश्वर के आप हो गए और ईश्वर की रची दुनिया के हो गए। और जब आधुनिक कह देते हैं तो आप वैदिक संस्कृति से कट जाते हैं, यानी नेचर से आपका जुड़ाव खत्म होता है, तब आप भ्रम में जीते हैं। तो इससे ये आशय होगा। आप बताइए, आप अपने पिता की संतान हैं, उनके लिए विशेष संदेश है। जो लोग ये कहते हैं अब तो हम ये धर्म में बहुत पालन करना है, इसमें तो कुछ नहीं, इसको अपना लें, सिर्फ धर्म एक ही है और वो धर्म है सनातन। मैं ज्यादा संस्कृत में व्याख्या नहीं जानता हूं तो हिंदी में बता दूं, सनातन का मतलब है जो सबको एक साथ लेकर चले। एक चीज इसी में और ऐड कर देता हूं, हम जिस भगवान की उपासना करते हैं जो राम राज्य चाहते हैं, तो हमारे वो भगवान राम क्षत्रिय कुल के थे और भीलनी के, उसके प्रेम से अभिभूत होकर उसके झूठे भैर बेर भी खाए थे। यानी हमारी संस्कृति हमें समाज को जोड़ती है, तोड़ना नहीं सिखाती। अब दूसरा, धर्म ही नहीं है, इसका हमने व्याख्या किया, गीता का एक श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि आप सभी धर्मों को त्याग कर मेरे धर्म में आइए, यानी सनातन में आइए। मेरे धर्म का मतलब है भगवान के मार्ग में आइए, यानी भगवान वेद ही, पूरा जगत ही भगवान है। भगवान के दो रूप है, एक द्वैत, द्वैत और अद्वैत। द्वैत में हम सब चीजें व्याख्या कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं, अद्वैत में हम क्या करते हैं, आत्मा से परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो वैसे ही उनकी व्याख्या होगी कि जो अपने पिता से समाज में तो उत्पन्न हो लेकिन पापा कहने किसी और को चला जाए।
तो इसीलिए इस वैदिक संस्कृति का जब हम उसे परिचय देंगे तो हम कहेंगे तुम्हारे अपने पिता की ही संतान बने रहो, यही आपके लिए लाभप्रद है।